तो दुनिया भर में लोगों के मन में किसी भी सुनसान या पुरानी खंडर इमारत को देखकर एक अजीब एहसास होता है। जब भी हम लोग कोई सुनसान इमारत को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर लोग किसी आत्मा या भूतों को देखने का भी दावा करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो महज एक पुरानी इमारत होती है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ ना कुछ इतिहास होता है। और जहाँ तक बात रही भूत प्रेत की, तो वो भी हम इंसानों की तरह ही इस वायुमंडल में रहते हैं, बस उनका रहने का तरीका अलग होता है। आज हम आपको इस वीडियो में लंदन के टावर के बारे में बताएंगे। एक ऐसी इमारत जो जीत की निशानी के तौर पर बनी, लेकिन मौत का महल बन गया। टावर ऑफ लंदन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत की भी अपना एक अलग इतिहास है और कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी ऐसी वारदातें हुई है जो आज तक महसूस की जाती है। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे यह भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण सन 1087 में विलियम ने करवाया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि अपने दौर में यह इमारत राजसी बंदियों के लिए एक जेल भी थी, और यह महल अनेक मृत्यु दंड तथा हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवारों के लोगों के ही खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानों की दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देती है और लोग उन्हें भूत प्रेत और रूहों का नाम दे देती है। इस इमारत को सिर कलाम करने के तौर पर भी प्रयोग किया जाता था। हेनरी अष्टम, जिसका जन्म 28 जून सन 1491 में हुआ था, एक ऐसी पराक्रमी और कठोर शासक जो कि अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक लंदन का शासक बना रहा। हेनरी अपने जन्म के बाद समय अनुसार बड़ा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी और तेज था। हेनरी की 6 पत्नियां थीं। हेनरी की कठोरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी। हेनरी की पहली पत्नी एनारान की कैथलीन थी और दूसरी पत्नी मशहूर एनी बोलिन थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी कि बेटे की जरूरत थी। उस समय एनी बोलिन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पहले की तरह इस बार भी कोई अप्रिय घटना ना घटित हो जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को पसंद नहीं आया, और उसने एनी को मौत की सजा सुना दी और ग्रीन टावर में उनको घुटने के बल बैठाया गया और एक बड़े से तलवार से उनका सिर कलम कर दिया गया। हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे ने जहां लोगों से दूर कर दिया, वहीं इस इमारत को एक यादगार इतिहास भी दे दिया। एनी बोलिन के अलावा भी कई लोगों की आत्माएं इस टावर में घूमती रहती है। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी को मौत की सजा सुना दी गई थी। उस पर आरोप था कि उसने बही खातों के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके लिए उसे कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में भी उसे देखा जाता है। उसका शरीर और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होता है। यह इमारत हजारों कैदियों के उनकी सजा और उनके मौत की गवाह है। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था। इस इमारत में कैदियों को भयानक चेतावनी दी जाती थी। कभी कभी कैदियों को जिंदा जलाया जाता था।
और उनके शरीर को टुकड़ों में काट काट कर फेंक दिया जाता था। और तो और उनके गुप्तांग काट दिए जाते थे और उन्हें जमीन पर लिटाकर उनकी आंतों को बाहर की तरफ निकाली जाती थी। उस वक्त कैदी जिंदा ही रहता था और सिवाय अपने आंखों के सामने आंतों को निकालते देख और कुछ नहीं कर सकता था। लंदन में स्थित यह इमारत इसमें मरने वाले रूहों से भरी पड़ी है। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इस इमारत को अब दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर शुरू किया गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन रूहों को महसूस कर सकते हैं और एक रोमांचक दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। यह इमारत आपको उस दौर में ले जाने के लिए सक्षम है। दोस्तों, इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।